कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज से कार्तिक का पावन महीना शुरू हो गया है। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को कार्तिक मास की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। आज मैं करने जा रही हूँ कार्तिक महात्म्य का अध्याय पहला। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उन लोगों को कार्तिक महात्म्य जरूर कहना चाहिए, कार्तिक महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में बैठ के कार्तिक महात्म्य कर सकते हो। आपने जहाँ पे तुलसी का गमला रखा है आप वहाँ पर बैठकर कार्तिक महात्म्य कह सकते हैं, सुन सकते हैं। अभी मैं करने जा रही हूँ कार्तिक महात्म्य की कथा। 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे और इसके बाद हाथ में तुलसी दल लेकर कार्तिक महात्म्य सुनेंगे। कार्तिक महात्म्य संपूर्ण होने के बाद में ये तुलसी दल आप भगवान शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अध्याय पहला, कार्तिक महात्म्य का अध्याय पहला। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सनाकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरे माता पिता भी धन्य हैं जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्रिय हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया है, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता था, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, मैं अब आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सुजीव कहने लगी, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए बोले, सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में मुझे तुम प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए देवताओं और इंद्र देवराज से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के ना देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूर्ण कर सकता हूँ, तो तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे सकता। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान तप व्रत नहीं किया, जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जो यहाँ आकर मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ लिए इंद्रादि देवताओं के स्थानों पे फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य करने से जो शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में गुणवंती नाम की एक कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया। वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुसा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी ओर आते देखा, जिसके भय से उनका शिथिल हो गया और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले गए, क्योंकि
उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए वे दोनों मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आप सभी लोगों को आज कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय सुनाया है। इस अध्याय को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन लोगों तक शेयर करिए ये जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं, उन लोगों को कार्तिक महात्म्य की कथा जरूर सुननी चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करिए। हरे कृष्णा राधे राधे।